वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे किसी का भाई किसी की जान मूवी के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इसके टोटल 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे कि मूवी रही बॉक्स ऑफिस पे हिट या फ्लॉप। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको पता ही है, किसी का भाई किसी की जान जो मूवी है उसके लीड में आपको सलमान खान दिखाई देंगे, और इस मूवी का जो बजट है वो है 100 करोड़। जी हाँ गाइस, इस मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ है। और बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इसमें आपको सलमान खान दिखाई देंगे, राघव जुयाल दिखाई देंगे, और उसके साथ ही साथ आपको सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, और उसके साथ साथ पूजा हेगड़े भी दिखाई देंगे। जी हाँ गाइस, पूजा हेगड़े, और उसके साथ साथ आपको साउथ के वेंकटेश भी दिखाई देंगे। जी हाँ गाइस, वेंकटेश। तो ये जो मूवी है उसमें मतलब वो काफ़ी सारी मल्टी स्टार है, यानी आई मीन 8 से 10 यानी कि सुपर स्टार इस मूवी में काम कर रहे हैं एक ही मूवी में। तो इस वजह से ये मूवी जो है कि मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, और वही हुआ भी सिनेमा घरों में। तो इसका जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 15 करोड़ 81 लाख। जी हाँ, इस 15 करोड़ 81 लाख, जिसको कि देख के हिटर बोल रहे थे कि भाई ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। जो लोग सोच रहे थे ऐसा तो होगा नहीं, बट भाई उन लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, भाई ये सलमान खान है और इन्होंने बाउंस बैक किया और दूसरे दिन कमाए 25 करोड़ 75 लाख। जी हाँ गाइस, 25 करोड़ 75 लाख, और तीसरे दिन कमाए 26 करोड़। जी हाँ गाइस, 26 करोड़ संडे को। और उसी के साथ साथ इसने 3 ही दिनों में अपने यानी कि इंडिया नेट कलेक्शन था वो यानी कि 68 करोड़ कर लिया था, और यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो हो चुका था 110 करोड़। जी हाँ गाइस, 110 करोड़। बात करते हैं चौथे दिन यानी कि मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मंडे को भी इस मूवी ने काफ़ी शानदार पकड़ बना के रखी और कमाई लगभग 10 करोड़। जी हाँ गाइस, 10 करोड़, इससे कि इस मूवी का टोटल यानी कलेक्शन हो गया था 4 दिनों का 8 करोड़। जी हाँ गाइस, 78 करोड़, और टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो हो गया था वो हो गया था 128 करोड़। वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 128 करोड़ हो गया था। और बात करते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आज भी यह मूवी लगभग 7 से 8 करोड़ कमा रही है, जिससे कि इसका जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो जाता है 87 से 88 करोड़। जी हाँ गाइस, 87 से 88 करोड़, और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करी जाए तो वो हो जाता है 140 करोड़। जी हाँ गाइस, 140 करोड़, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी हो चुकी है। और जैसे कि हिटर्स बोल रहे थे कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी, गाना की एल्बम्स रिलीज कर दी और पता नहीं क्या 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 ही क्या बोल रहे थे, और काफ़ी सारे क्रिटिक्स तो बोल रहे थे कि मतलब ये मूवी बहुत ही ख़राब निकलेगी, और मतलब काफ़ी सारी नेगेटिव जो है कि रेटिंग भी दी थी मूवी को, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सलमान खान का स्टारडम तो आपको पता ही है, वो वास्तव में बॉलीवुड के भाईजान हैं, और वो अकेले ही हैं जो बॉलीवुड के भाईजान हैं, और उन्हें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया और मूवी को जो है कि एक हिट बना ही दिया है। अब जो भी मूवी कलेक्शन करी है उससे मूवी तोड़ेगी रिकॉर्ड्स 2022 और 2023 की, और मुझे लगता है कि यह मूवी 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जल्दी ही होने वाली है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस सो मच, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।